अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की मेरे बाबा भीम। हाँ साथियों, आइए हम आप लोगों को नवीनतम प्रोग्राम देने के लिए जा रहे हैं बारामासी के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में। आइए चलते हैं। तुम सुनो भीम की कथा तरज एक नई बारामासी। आदरणी बाबूलाल बौद्ध गया करते थे ढपली के माध्यम से। अरे भीमा मैं ज्ञाने बतावे की, अरे भीमा मैं ज्ञाने बतावे की, ये माता सावित्री बैठी आज हृदय पर जावेगी। समस्त वीर और वीरांगनाओं के, संत और महापुरुषों के चरणों में नमन करने के बाद में आइए देखते हैं। समय की है कि जिस समय देश भारत में अंग्रेजी सरकार का दबदबा कायम था, 19वीं सदी का समय था, इधर समय आता है सन 1891 14 अप्रैल का। अरे विपद पर कर दीजिए दावा, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट
जिला इंदौर में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है। अरे नगरिया बाटे कर भाई, अरे नगरिया बाटे कर भाई, ये ऐतिहासिक स्थान देख के मन में हर्षाई। अरे पिता को खुशी भई भारी, अरे पिता को खुशी भई भारी, ये भोजन के है प्राण जन्म दे भीमा महितारी। अरे दुख भोजन के तारे गो, भोजन के तारे गो, ए भीम लियो है जन्म भार पृथ्वी को उबारे गो। सुनो भीम की कथा तरज एक नई बारा मासी, इधर मेरी माता बहनों जिस समय अपने बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म सन 1891 14 अप्रैल में जब होता है, तो माताओं बहनों ने उस घड़ी को बढ़िया सोहर मंगल गीतों के माध्यम से उस घड़ी को सजाने का प्रयास किया। कैसे कि भीमा मैया ने जन्म है लाल जन्म भय सुबह घड़िया, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है उस घड़ी को माताओं बहनों ने सजाने का काम किया। इधर धीरे धीरे समय निकलता गया, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े होते गए, इधर इनकी उम्र लगभग 5-6 साल की हो गई। इधर माता और पिता के मन में विचार बने कि क्यों ना भी अपने बच्चे को पढ़ाया जाए, और लिखा गया क्या, ये पिता राम जी राम की माता भीमा बाई है, ये पिता राम जी राम की माता भीमा बाई है, कि बाल राव या नंद राव दो पिता के भाई हैं।
सुना मझला नाम ध्यान धर सुनने मा भाई। बच्चे का कहीं ना कहीं किसी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाए, क्यों ना मेरा बेटा भी पढ़ लिख करके महान बन जाए। लेकिन दुर्भाग्य था हमारे समाज के लोगों का, उस समय हमारे समाज के लोगों को पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ने तू बैठाई पिता ने मन में ठानी है, लेकिन दुर्भाग्य था इस आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज का, क्योंकि यहां के जो मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था के लोग, जो ढोंगी और पाखंडी छल और फरेब के माध्यम से हमारे देश में आकर के घुसपैठियों का काम किया, अरे पढ़ाने की मन में इच्छा, अरे पढ़ाने की मन में इच्छा कि परथे दलितर द्वार बंद ना पढ़ पावे शिक्षा। मम्मी और पिता का जो है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, इनका जो है मन बड़ा उत्साहित हुआ कि क्यों ना अपने लाडले को पढ़ाया जाए। लेकिन आज पिता रामजी राव ने विचार किया कि क्यों ना अपने बच्चे को लेकर के किसी स्कूल में ले जाया जाए। मम्मी ने कहा, यानी माता भीमा बाई ने कहा कि हाँ चले जाओ स्वामी, कहीं अच्छा स्कूल मिल जाए तो अपने बच्चे का दाखिला करवा दो जाकर के। अरे सतारा सुबे दर धाए, माता भीमा बाई के कहने के अनुसार बालक अंबेडकर को पिता रामजी राव लेकर के चले। छोटा स्कूल भीम को लेकर है आए, इधर पिता रामजी राव बालक अंबेडकर को गवर्नमेंट वरना कोयलर फाइनल हाई स्कूल सतारा में अपने बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए पिता रामजी राव जिस समय लेकर के आए, अरे पता यार नाम बतायो है, अरे पता यार नाम बतायो है, जब सुना जाति का नाम क्रोध मास्टर को आयो है। अंबेडकर को लेकर के स्कूल में गए, मास्टर को नमस्ते किया, मास्टर को नमस्ते करने के बाद में मास्टर ने कहा अरे किस लिए आए हो। पिता रामजी राव ने कहा कि मैं अपने बच्चे का दाखिला करवाने के वास्ते आया हूं।
मास्टर ने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं। जब पिता राम जी राव ने अपना पूरा परिचय दिया, मास्टर ने जिसमें जाति का नाम सुना, आय हाय। लगा देने मास्टर गाली, अरे लगा देने मास्टर गाली, ना पाक मदरसा की ओ ये धर्मी पापी चंडाली। जिसमें पिता राम जी राव बालक अंबेडकर ने दिया, जिसमें जाति का नंबर आया, मास्टर ने सुना कि इसकी जाति महार है, इसका वर्ण सूत्र है, आ लोगों धक्के मार करके स्कूल के बाहर निकाल दिया। हमारे लोगों के दिन इतने गिरे आ गए हैं कि मैं इन सूत्र और चंडालों को पढ़ाऊं। अरे तेर हो गाली अभिमानी, अरे तेर हो गाली अभिमानी, ये उठ के बालक चलो नैन से बरस रहो पानी। माता बहनों क्या हुआ, जिसमें मास्टर ने सुना कि यह सूत्र है, इसका वर्ण सूत्र है, इसकी जाति महार है, जिसमें लोगों मास्टर ने धक्के मार करके स्कूल से बाहर निकाल दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने जिसमें उस समय का दृश्य को देख करके बाबा साहब अंबेडकर के आंखों में आंसू आ गए, मास्टर ने क्या किया, लोगों दंडे तोड़ तोड़ करके और फेंक फेंक करके मारने लगा, क्यों? क्योंकि बिजली का करंट जो है सुनने से, जो है छूने से लगता है, और जाति का करंट सुनने से लगता है। मास्टर के अंदर एक भावना थी, अगर मैंने इसके शरीर को छू लिया तो मैं नापाक हो जाऊंगा। इधर मेरी माता बहनों क्या हुआ, एक कुछ छिपा हुआ था राज, अछूत ध्यान जरा डारो, एक हाय अछूत का लाल इसलिए मास्टर ने मारो। अंबेडकर पिता राम जी राव स्कूल में जब अपमान हो गया,
आंखों में अश्क की धारा को लेकर के अपने घर को वापस आते हैं। एक कुछ छिपा हुआ था ना ये छूत तो ध्यान जला डारो, एक हाँ ये छूत का लाल इसलिए मास्टर ने मारो। भीमाबाई ने अपने बच्चे को निहारा, आय हाय अरे रोवते अपने घर आए, ये देखी पुत्र की दशा नैन में आंसू भर आए। सुना अपने बच्चे की वाणी को, पिता राम जी राव ने स्कूल के पूरे हाल को बयां किया। मैया भीमाबाई ने कहा कि स्वामी तो चिंता काय करते हो ना, जो अपना मित्र है ना, आपका मित्र गोरा अंग्रेज, अंग्रेज के पास में चले जाओ ना, वो शायद अपने बच्चे का दाखिला करवा दे, चले जाओ ना। में लेकर गए पिता राम जी राव, अंग्रेज ने क्या किया, अरे पहुंचे स्कूल गए जाई, अरे पहुंचे स्कूल गए जाई, ए ऑफिसर अंग्रेज देख के मन में घबराई। अधूरी करो नहीं भाई, अरे तुरंत ऑफिसर बतलायो, अरे तुरंत ऑफिसर बतलायो, बच्चे का दाखिला करो इसलिए मैं यहां पर आयो। अरे शर्म कुछ मास्टर को आई, अरे शर्म कुछ मास्टर को आई, कहीं जगह फालतू पड़ी भीम को बाहर बैठा रही।
स्कूल में जाकर के खड़ा हुआ, मास्टर थर थर कांपने लगे। अंग्रेज ने कहा कि मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, इस बालक अंबेडकर का नाम लिख लिया जाए। मास्टर ने कहा कि ना 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 ना, हर चीज संभव लेकिन इस बालक का हम दाखिला नहीं कर सकते। अंग्रेज ने कहा क्यों? क्योंकि सावे सूत्र हैं, ये महार हैं। गोरा अंग्रेज ने फटकार लगाई, हमसे जाति वर्ण से मतलब नहीं है, इस बच्चे का नाम लिख जाना चाहिए। मास्टर ने कहा कि मैं इस बच्चे का नाम तो लिख लूंगा लेकिन हमारी चार शर्तें होंगी। अरे सब कोई पता करे हासी, तुम सुनो भीम की कथा तरज एक नई बारा मासी। सब अंबेडकर के नाम लिखवाने में बड़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ा, चार चार शर्तों का सामना करना पड़ा बाबा साहब अंबेडकर को। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमको चार के बजाय चाहे 400 शर्तों का सामना करना पड़ जाए लेकिन मैं पढ़ूंगा। मास्टर ने कहा कि अगर इस बालक को पढ़ना है तो बैठने के लिए टाट पट्टी अपने घर से लाएगा, पीने के लिए पानी इसको अपने घर से लाना होगा, इसके बैठने का स्थान वहां पर होगा जहां हमारे समाज के बच्चे बच्चों के जूते और चप्पल निकाले जाते हैं। ये बच्चा हमारे बच्चों से बोल नहीं सकता है, ये बच्चा हमारे स्कूल की नल की टोटी को स्पर्श नहीं कर सकता है। बनी जाए